अब सब लाइव दिख रहे हैं। सो मैसेज इस दिवाली पे ये है कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है ना तो वनवास में जाना पड़ेगा। वनवास मतलब क्या? हार्डशिप, स्ट्रगल, डिस्ट्रैक्शंस काफी सारे देखने को मिलेंगे। इन सारी चीजों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ये जो पढ़ाई वाला फेज है ना, ये आपका वनवास ही है। रामायण में श्री राम वनवास गए थे, महाभारत में पांडव वनवास गए थे। सो उस वनवास के बाद एक आइडेंटिटी मिली थी, और ये आइडेंटिटी आपकी दुनिया के लिए नहीं है, ये आइडेंटिटी आपकी अपने लिए, कि हमारे अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी काबिलियत है कि हम लाइफ में आगे बढ़ के भी काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अभी आपकी कोई औकात नहीं है, अभी कोई पहचान नहीं है, बट अभी आने वाले टाइम में जरूर होगी, जब आप इस वनवास से, इस जंगल से बाहर निकलोगे। तो जब आज आपको मौका मिला है ना, तो इस मौके को गंवाए मत। इस मौके में जितने आप एफर्ट्स दे सकते हो, एक कतरा भी ऐसा ना छोड़े कि जिससे आपको आने वाले टाइम में ऐसा लगे कि हमने, हमारी मेहनत में कोई कमी हुई थी। और ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे लाइफ में आपको कुछ मिलेगा ही मिलेगा इस मेहनत से, बट एक बात जरूर मिलने वाली है, वो है अनुभव, एक्सपीरियंस, जो आपको लाइफ में कभी पीछे नहीं रहने देगा। तो अपने एफर्ट्स जो है ना पूरे डालें, दुनिया को दिखा दें, अपने आप को भी दिखा दें कि आपके अंदर भी क्या है, पोटेंशियल है, और आप भी लाइफ में काफी चीजें अचीव कर सकते हैं।